दोस्तों आ गए हैं आज फिर से बात करने एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसने एसयूवी के मामले में इंडिया के अंदर एकदम से कहता है ना भाई भौकाल सा मचा दिया है, क्योंकि जो गाड़ी है कम प्राइस में आती है कंपटीशन से अगर कंपेयर करूँ तो, और फीचर्स एक से बढ़कर एक लाती है। सामने आप देखते समझ गए होंगे महिंद्रा का लोगो है नया वाला, और गाड़ी है स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो के नाम पे ही रखी गई है। जैसा आप सभी जानते हो कि जो स्कॉर्पियो है वो एक इस लेवल की गाड़ी है जिसको लोग रुतबे के लिए खरीदते हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर फीचर्स आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो मेन एक सेलिंग पॉइंट है, उसका जो यूएसपी है, वो आता है उसका लुक निकल के। कंपनी ने नाम तो उसी से ले रखा है, लेकिन इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करके दी है, जैसे 4x4 की कैपेबिलिटीज दी है, अंदर सीटिंग कंफर्ट आपको बहुत अच्छा करके दिया है, फीचर्स प्रीमियम आपको ला करके दिए हैं, लाइटनिंग सेटअप वगैरह सब कुछ अच्छा कर दिया है। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि स्कॉर्पियो एन का कौन सा ये वेरिएंट है, क्या इसकी प्राइसिंग जा रही है, क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करे जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो को। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपके लेकर के आ रखा हूँ Z8L मैनुअल ट्रांसमिशन में, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैनुअल मांगते हैं, मेरे से कहते हैं कि भाई तू मैनुअल ट्रांसमिशन वाली ही गाड़ियां दिखाया कर। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसका जो शोरूम प्राइस है वो जा रहा है 22,97,500 रुपए। मेन बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, तो इस समय मैं आ रखा हूँ हल्द्वानी के बजरंग मोटर्स में, और यहाँ जो प्राइस जा रहा है गाड़ी का वो है 26,82,000 रुपए, मतलब कि अंडर 27 लाख आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। और इसका जो स्ट्रेट अवे कंपटीशन होता है वो है टाटा की हैरियर से, जिसका वहाँ पे जो सेकंड टॉप मॉडल है आपने देखा होगा चैनल में, वो 30 लाख का पड़ जाता है। तो उससे तो ये काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिल रही है, और फीचर्स भी अच्छे खासे लेकर के आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रंट से कैसी ऑफरिंग है। फ्रंट से लुक बहुत कमाल के रखे गए हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक जैसे लुक नहीं है, मेरे को उसके लुक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके लुक भी मैं काफ़ी अच्छे कहूँगा। क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ पता है क्या है, कंपनी ने फ्रंट की लाइट कंप्लीट तरीके से आपको LED में दे रखी है, DRLs मिल जाते हैं LED में, आपको यहाँ पे फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ड्यूल बैरल आपको LED यहाँ पे हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर भी देखने को मिलेगा। और एक बार आप हुड का साइज चेकआउट करो, कितना लंबा आपको हुड देखने को मिलता है, फ्रेमलेस वाइपर्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो वाइपर्स हैं आपके ऑटोमेटिक हैं। ये गाड़ी एडास मिस करती है, मुझे ऐसा लगता है कि एडास ना मिलना को इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मैं एडास का कोई इतना बड़ा यहाँ पे फैन नहीं हूँ। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये है इस गाड़ी का इंजन, और ये है इसका डीजल वाला वेरिएंट, 2.2 लीटर का एमहॉक आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है। अच्छी चीज ये है महिंद्रा का इन हाउस इंजन है, मतलब कि महिंद्रा इसे खुद ही यहाँ पे बिल्ड करता है, टाटा की तरह नहीं करता है कि वो फिएट से इंजन जो है वो ले यहाँ पे। इनका अपना इंजन है जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, चलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिलायबल इंजन है, और इनका जो क्लच है वो भी बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिलता है। पावर की बात करता हूँ, 2.2 इंजन का टर्बो चार्ज इंजन है, तो आपको 172 की BHP मिल जाती है, और 370 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि मैसिव नंबर है भाई, मतलब मज़ा आने वाला है आपको। 0 से लेके 65 सेकंड के अंदर अंदर कर लोगे कवर यहाँ पे। बाकी पीछे साइड देखोगे तो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे इंसुलेशन हो रखा है, नीचे से इंजन को पूरा यहाँ पे बंद कर रखा है, और ऊपर साइड देखोगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे इंसुलेशन देखने को मिलता है। वारंटी की बात करता हूँ तो 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, गाड़ी रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। 4x4 आपको यहाँ पे लीवर से नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे बटन्स लगा के इलेक्ट्रॉनिकली आपको उसे एक्टिवेट करना है, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। एंड अगर माइलेज की बात करता हूँ, वैसे माइलेज की बात इतने बड़े इंजन में हमें करनी चाहिए नहीं, फिर भी अगर माइलेज की बात करूँ तो कंपनी इसमें क्लेम करती है 18.5 का माइलेज, लेकिन जो सिटी में माइलेज निकल के आ रहा है वो 12.25 तक का निकल के आ जा रहा है, और हाईवे से 15 से 16 का निकल के आ रहा है। ये रही इसके यहाँ पे इंजन की बात। साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गाड़ी है काफी अच्छी लगती है दिखने में, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा अच्छी रखी गई है। उसके साथ आपको टॉप मॉडल में मिल जाते हैं 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, कंप्लीट टायर सेटअप बन जाता है 245/65/R17 का, अपोलो के आपको कंपनी टायर प्रोवाइड करा रही है, और इसका जो नाम है वो आपको कुछ एप्टेरा हाई टेरेन आपको यहाँ पे टायर्स देखने को मिल जाते हैं। चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, ब्रेकिंग बाइट काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, और इस तरीके से आपको ब्लैक कलर के फेंडर में आपको क्लैडिंग देखने को मिलेगी, और प्रॉपर आपको ऊपर चढ़ने के लिए इस तरीके से आपको फुट स्टेप भी दिया गया है। अगर बात करते हैं डायमेंशन की, तो गाड़ी जो है अपने सेगमेंट में आपको चौड़ी देखने को मिलती है और अच्छी खासी लंबी देखने को मिलती है। कंप्लीट डायमेंशन आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आपको अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा। ORVM की बात करते हैं, मतलब कि साइड मिरर की बात करते हैं, तो ये आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो।
इंडिकेटर आपको एलईडी में देखने को मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्रोम शुरू है और ये जाता है स्कॉर्पियो की टेल के तरह पूरा यहाँ तक। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फंक्शनल रूफ रेल है और उसके ऊपर आपको मिल जाती है सनरूफ, जो कि मैं इसे दिखा नहीं पाऊंगा। एंड जो लुक बनता है पीछे से साइड का वो है कुछ इस तरीके से। एक बार उस साइड चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर मिल जा रहा है हमें फ्यूल टैंक का गेट। डीजल गाड़ी है और अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है, वन टैप ओपन है। ये देखो, जैसा आपको वॉक्सवैगन के पोलो में देखने को मिलता था। BS6 डीजल ओनली, सल्फर जो है 10 PPM से आपको कम रखना है यहाँ पे। और डीजल का आपको कैप इस तरीके से मिलता है और ये मिल जाता है आपको DEF, मतलब कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड। आपको यूरिया भी डालना पड़ेगा। BS6 2.0 के नॉर्म्स हैं। 57 लीटर का इसमें डीजल या फिर पेट्रोल आप डला सकते हो। एडिनॉक्स का सपोर्ट है क्योंकि अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है, अंदर जो इन्फोटेनमेंट है, बड़ा कमाल का है। आएंगे उस पर भी। पीछे से बात करते हैं, पीछे से ज़्यादा बेटर लगती है कंपेयर करें अगर हम इसे फ्रंट के लुक से। और पीछे का जो लुक है लाइट्स का, बहुत अच्छा लगता है। कंप्लीट तरीके से ये भी एलईडी में रखी गई है। पार्किंग सेंसर देखते हैं तो 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल रहे हैं। कंपटीशन वाली 2 लाके दे रही है और जो लाइट है रिवर्स वाली आपको नीचे साइड देखने को मिलेगी एंड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, तो लुक काफ़ी अच्छा बन जाता है। और वाइपर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, डिफॉगर्स मिल रहे हैं, स्पॉयलर मिल रहा है, स्टॉप लैंप मिल रहा है, बाकी एंटीना आपको मिल जाएगा। तो लुक में आप मुझे बताना कि आपको साइड से ज़्यादा अच्छी लगी, पीछे से ज़्यादा अच्छी लगी, या फिर फ्रंट से आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। ये देखो जी, पीछे साइड आपको मिल जा रहा है हाइड्रोलिक स्टड, थोड़ा सा आपको पीछे को इसको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, फिर ये पूरा इस तरीके से ओपन हो जाता है। टकराना मत भाई, चलो बच गया। बात करते हैं पीछे के यहाँ पे स्पेस की। तो थर्ड रो लगने के बाद स्पेस ज़्यादा बनती नहीं है क्योंकि फॉर्च्यूनर जितना साइज आपको मिलेगा नहीं, हल्का फुल्का रख सकते हो सामान अगर आप यहाँ पे 7 लोग टोटल बैठ रखे हो, जो कि मैं कहूँगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ छोटे मोटे कैरी बैग्स वगैरह इसमें आपके आ जाएंगे। मतलब लड़के वड़के घूमने जा रहे हैं ना, लौंडे जिन्हें कहते हैं हम, उनके ज़्यादा बैग्स होती नहीं है, वो यहाँ पे कैरी कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सीट को फोल्ड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 लीटर की आपको स्पेसिंग मिल जाएगी एंड एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, सारी सीट्स के लिए मिल जाएंगे। और बड़े बड़े आपको यहाँ पर ग्लासेस मिल जाते हैं जो बंदा थर्ड रो में बैठेगा। एंड उसके लिए अगर देखें तो लाइट्स मिल जाती है एलईडी में, स्पीकर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और गाड़ी में आपको सोनी के स्पीकर मिल रहे हैं। टोटल आपको 12 स्पीकर का सपोर्ट मिल जा रहा है। बाकी अगर एसी वेंट देखें तो एसी वेंट कहीं पर मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, तो मे बी जो एसी वेंट हैं वो सिर्फ आपको इस तरीके से सेकेंड रो तक ही देखने को मिलते हैं। एंड जो सेकेंड रो वाली सीट है ये आती 60-40 स्प्लिट सीट के साथ, मतलब कोई अगर थर्ड रो में आना चाहता है तो उसको ये सीट जो है फोल्ड करनी पड़ेगी। आपको मैं चेकआउट कराऊंगा और यहाँ पर देखोगे तो आप पीछे से भी सीट को आगे की तरफ स्लाइड कर सकते हो अपने नी रूम कम ज़्यादा करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरी टंबल हो जाती है, आपको हल्का सा ये लीवर उठाना पड़ता है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये बनती है आपकी थर्ड रो की सीट। आपको मैं बैठ के कैमरे के साथ अपनी शक्ल अपना नहीं बताने वाला क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, कैमरे का एंगल अच्छा नहीं बनता है। बैठ में चुका हूँ, रिव्यू मैं आपको अच्छे से दे सकता हूँ। पीछे की सीट अगर मैं बताऊँ, मेरी हाइट 5'11" है और मेरा जो वेट है वो 84 kg है, तो मेरे हिसाब से जो सीट है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे बैठना पड़ रहा है, किसी इमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़ रहा है, मैं पीछे बैठ जाऊँगा, ऐसी मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो छोटे लोग हैं जिनकी हाइट कम रहेगी, जिनका वेट कम रहेगा, फिर जो छोटे बच्चे रहेंगे, आराम से पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा गर्मियों में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ये शीशे खुलते नहीं हैं, पैक रहते हैं, बस आगे एसी की ही हवा दी गई है। साइड में भी अगर कुछ दे रहे थे एसी का ऑप्शन तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन अगर गाड़ी को 5 लोग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल मैं इसे कहूँगा। अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ, बात करते हैं कि इसका सीटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा है। चलते हैं अंदर की तरफ, खोलते हैं इसका डोर। और डोर खोलने में भैया हैवीनेस है, जब बोनट खोला था ना, आपको मैंने बताया ही नहीं था, अच्छा खासा हैवी था, इसलिए मुझे प्रॉपर एक कट लेना पड़ा था वहाँ पे। डोर की बात करता हूँ, सबसे पहले तो आपको ड्यूल टोन डोर देखने को मिलता है, ब्लैक और ब्राउन कलर में, अर्थी ब्राउन इसे कुछ कहते हैं। ये पूरा आपको लेदर में देखने को मिलेगा। साइड में ये पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक है, इतना पैनल आपका सिर्फ यही है जो आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर के संग देखने को मिलेगा। ड्राइवर साइड की विंडो, को ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच अप है, 1 टच डाउन है, बहुत ही कमाल तरीके से काम करती है। बाकी यहाँ से डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं और आगे हम आपके इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो 1 लीटर वाली पानी की बोतल आ पाएगी, 2 लीटर में हल्की सी मुश्किल आ सकती है। बाकी यहाँ पे कपड़े वगैरह रखना चाहो, डॉक्यूमेंट रखना चाहो रख सकते हो। स्पीकर मिल जा रहे हैं बड़े बड़े इस तरीके से, हर जगह प्रेजेंट हैं, आगे पीछे हर जगह। साइड में देखोगे फ्रंट के पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे साइड प्रॉपर डेट पैडल आपको देखने को मिलेगा और स्कॉर्पियो की कुछ मैटिंग आपको इस तरीके से मिलती है कंपनी से। सीट में आता हूँ, सीट कंप्लीट तरीके से लेदराइट है और ब्लैक और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन है। 6 छेद आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अफसोस ये सिर्फ आपके डिजाइन के लिए है, इनमें से हवा नहीं आती है। और इनकी जो हाइट है, और इनको फॉरवर्ड करना है बैकवर्ड करना है आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो, और लोअर बैक का सपोर्ट कम ज़्यादा भी आप मैनुअली इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन सिर्फ ड्राइवर साइड है, हैरियर की तरह आपको को ड्राइवर साइड देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं अंदर, बात करते हैं सीटिंग कम्फर्ट की। सीटिंग कम्फर्ट की बात करता हूं तो सीटिंग कम्फर्ट बहुत अच्छा है, बैक सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लोअर बैक में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हेड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छी है हेडरूम में, और नी रूम में स्पेसिंग अच्छी मिल रही है, थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो सीट है वो पतले लोगों को उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगी, मोटो को तो अच्छे से होल्ड। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है कंप्लीट लेदर रैप के साथ, महिंद्रा का नया वाला लोगो मिल जाएगा। माउंटेड कंट्रोल से गाड़ी लेस रखी गई है, यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, कॉल वगैरह पिक कर सकते हो। बाकी अगर इस साइड से देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल आप एक्टिवेट कर सकते हो, और यहीं से जो आपका क्लस्टर है आप उसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग मिलना चाहिए था लेकिन दे नहीं रहे ये लोग। मेन बात करते हैं अपने क्लस्टर की, क्लस्टर का जो डिजाइन है काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा आप चेकआउट करो। टैकोमीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में आपको डिजिटल कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देती है, जिसको आप यहाँ से प्रेस करके चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, फ्यूल इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, डिजिटल स्पीड आप देख सकते हो, व्हीकल इन्फॉर्मेशन में जा सकते हो, नेविगेशन यहीं पर ही चेकआउट कर सकते हो, और सेटिंग्स के अंदर और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, अलर्ट हिस्ट्री, ऐसी मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको AFE मतलब इसको रीसेट वगैरह कर सकते हो, एयरबैग आपको ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो, TPMS आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और आगे की तरफ देखोगे तो स्पेसिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी है फिर उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सब वूफर देखने को मिलता है, सोने का भगवान जब उसी के ऊपर रख सकते हो जैसे यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन जो बोनट है कंप्लीट तरीके से विजिबल हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ पैड्स की, तो ड्राइवर साइड आपको सिर्फ स्ट्रैप देखने को मिलेगा, एक छोटा सा स्पीकर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल रहा है, ऑटो डिमिंग हटा दिया है कंपनी ने। और यहाँ पर देखें तो आपको सनग्लास होल्डर मिलेगा, लाइट्स जो हैं आपकी LED में आपको देखने को मिल रही है, बाकी जो सनरूफ है अच्छी खासी वाइड है। और एक यूट्यूबर ने जो तहलका मचा रखा था कि यहाँ से लीकेज शुरू होती है, हालांकि गलती उसी की थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सनरूफ से आप बाहर नहीं निकल सकते हो, वो लीगल नहीं है, ये सिर्फ आप ऐसे ओपन करके चला सकते हो। यहाँ पर देखें तो आपको इस तरीके से मिरर मिल रहा है LED लाइट के साथ, महिंद्रा ने अंदर बाहर हर जगह लाइट्स का LED कर दिया है। ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि आपका लेदर में सॉफ्ट टच है, बाकी सब जगह आपका ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक है। सेंटर में आता हूँ तो यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज़ है, 8 इंच की डिस्प्ले है, डिस्प्ले का साइज छोटा रखा गया है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करती है, और टच रिस्पॉन्स सुपर स्मूथ आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। फ्रंट कैमरा भी आप इसके अंदर जा करके अपना ऑन कर सकते हो, चलते चलते आप आगे का जो कैमरा है उसे एक्टिवेट यहाँ पे कर सकते हो। इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉल्यूम के, नीचे साइड आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल, और ड्राइवर वाला को ड्राइवर वाला अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता है। उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको और ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ट्रैक्शन को ऑफ करने का बटन, हिल डीसेल कंट्रोल का बटन, कैमरा यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, हजार्ड लाइट का इंडिकेटर। इसके नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और टाइप ए का पोर्ट है जो कि नॉर्मल चार्जिंग के लिए, टाइप ए का फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। यह है महिंद्रा का 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जो कि स्मूथ है, क्लच भी बहुत ज्यादा लाइट है, पेट्रोल कार की तरह फील आपको होगा, और रिवर्स अगर आपको लगाना है तो नीचे से नॉब उठाना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ पर देखोगे तो आपको मल्टीपल टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, आप डायल से वो सब चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी गाड़ी को 4 व्हील लो 4 व्हील हाई में भी चला सकते हो, क्योंकि गाड़ी जो है 4x4 के साथ आती है। बाकी गाड़ी के अंदर आपको जिप जैप जूम मोड देखने को मिल जाता है, जो कि सिटी मोड के लिए होता है, नॉर्मल ड्राइविंग के लिए होता है, और स्पोर्ट मोड के लिए होता है। तो जिप जैप जूम आप यहीं से भी एक्टिवेट कर सकते हो, यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो, जहां से आपका मन है वहां से आप कर सकते हो। ग्लव बॉक्स की बात करता हूं
तो स्पेसिंग उतनी ज्यादा नहीं है, आपको डिसेंसी स्पेसिंग देखने को मिलेगी। आर्मरेस्ट आपका काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, इसके अंदर भी आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। और चाबी शो करूं तो चाबी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें आपको डोर को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिग्गी आप इसके यहाँ से लॉक कर सकते हो। बाकी आपको इस तरीके से ये फ्लिप की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूं तो गाड़ी में आपको 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग देखने को मिलती है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, ESP, हेलो, ट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TBMS जैसे आपको ढेर सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं। 4x4 गाड़ी है और ये अगर आप 4x4 में नहीं चलाते तो ऑल व्हील ड्राइव में चलती है एंड आपको EDL का भी सपोर्ट मिल जाता है। चलते हैं पीछे की तरफ, खोलते हैं जी पीछे का डोर। और पीछे का डोर आपको अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलता है क्योंकि जो थर्ड रो में एंट्री है वो यहीं से होने वाली है, हालांकि एंट्री आप उस साइड से करोगे जैसा मैंने आपको दिखाया था। डोर की बात करता हूं तो यहां भी ड्यूल्टन फिनिशिंग है, बस यही वाला जो पैनल लेदर रैप मिलता है और ग्लॉसी ब्लैक ये पैनल आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहां से डोर को पकड़ के बंद और खोल सकते हो आप और यहां पे पानी की बोतल कैरी कर पाओगे, डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हो, बाकी स्पीकर मिल जा रहे हैं। अब चलते हैं अंदर, सीटिंग कम्फर्ट की बात करते हैं। पीछे के सीट में मैं आ गया हूँ और थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, बैक सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है और जो हेड सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं बैठ नहीं रहा हूँ क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, पीठ जल जा रही है मेरी। एंड जो स्पेसिंग है हेडरूम में वो भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एक मेजर चीज ये गाड़ी मिस कर रही है पीछे की तरफ, वो है साइड में कर्टेन्स, अभी बहुत ज्यादा जरूरत मेरे को लग रही है। और गाड़ी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, अंदर की जो सीट है कंप्लीट तरीके से लेदर है तो एकदम से गर्म हो जाती है, लेकिन कम्फर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सेंटर में देखोगे तो जो बीच में बैठेगा उसके लिए फिक्स वाले हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, और अगर कोई बीच में नहीं बैठेगा तो आप इसको खोल के 2 कप का मजा ले सकते हो और आर्मरेस्ट का ही मजा ले सकते हो। बाकी आपको एसी वेंट देखने को मिल जाता है कंट्रोल के साथ और टाइप सी का फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। इस तरीके से आपको मैगजीन्स पॉकेट्स मिल जाती हैं, बाकी फ़ोन रखने की स्पेसिंग भी है तो फ़ोन आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो और यहाँ पर भी फ़ोन रखने की स्पेसिंग है, बाकी यहाँ पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर मैगजीन आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखोगे तो LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो स्कॉर्पियो एन है ये स्ट्रेट अवे टक्कर ले रही है हैरियर से, जहाँ हैरियर के जो टॉप मॉडल हैं वो 30 लाख से ऊपर चले आ रहे हैं और ये गाड़ी हमें 27 लाख से नीचे नीचे देखने को मिल जाती है। एंड ये गाड़ी जो है 4x4 की कैपेबिलिटीज लेकर के आ रही है, महिंद्रा का अपरा इंजन है जो कि ज़्यादा साइलेंट है, तो कहीं ना कहीं जो 3 से 4 लाख रुपए आपके बचेंगे उनको आप काफ़ी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ टायर साइज छोटा है, एडास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि महिंद्रा में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है अगर कंपेयर करता हूं मैं इसके कंपटीशन से। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नए वीडियो के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।